और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा से ये खबर जुड़ी हुई है। रॉबर्ट वाड्रा से जब जमीन घोटाले विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे तौर पर इस सवाल से बचकर निकल गए। घोटाले में उनका नाम आया था और उनका ये कहना था कि राजनीतिक फायदे के लिए हर बार उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। आज रिपोर्ट आएगी और वाड्रा का यह मानना है कि उन्हें इस रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद अब सभी के मुंह पर ताले लग जाएंगे। जस्टिस ढींगरा की ये रिपोर्ट है जिसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि वाकई क्या वाड्रा इस घोटाले में शामिल थे या नहीं। आज तक इस सवाल से बचकर निकले वाड्रा, उनसे सवाल इसी घोटाले और रिपोर्ट पर किया गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब इस सवाल का नहीं दिया। 6 बजे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और अब ये देखिए फेसबुक पर किस तरह से जवाब दिया था रॉबर्ट वाड्रा ने। 10 साल तक सरकारी मुद्दों पर झूठ आरोप लगाती रही लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, वो कुछ साबित नहीं कर पाए, साबित करने के लिए कुछ था ही नहीं। मुझे पता है मेरे नाम का इस्तेमाल लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं लेकिन मैं सच के साथ सर ऊंचा करके ही चलता रहूंगा, जो मेरे खिलाफ साजिशों का जवाब होगा। ये जवाब उन्होंने फेसबुक पर जरूर दिया लेकिन आज जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किए तो वो सवाल से बचकर निकल गए। आज तक के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो सभी सवालों से बचकर निकल गए।